दोस्तों, इंडिया में कमर्शियल बैंक्स ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पब्लिक और नेशनलाइज्ड बैंक्स जैसे SBI, PNB, CBI एटसेट्रा, प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, फॉरेन बैंक्स जैसे सिटी बैंक, HSBC इंडिया, RBS एटसेट्रा। इन तीनों कैटेगरीज के बैंक इंडिया में हमें बैंक अकाउंट खुलवाने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन जो बैंक अकाउंट्स ये ऑफर करते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, NRI अकाउंट एटसेट्रा। इन डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के अलग अलग बेनिफिट्स और लिमिटेशंस होते हैं, जिसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स ज़्यादातर बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, जहाँ फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच में फ्रीक्वेंटली मनी ट्रांसफर किया जाता है। ये अकाउंट्स कॉरपोरेट और बिजनेस ओनर्स के लिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ की ट्रांजेक्शन के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इन अकाउंट्स की ना ही कोई मैक्सिमम अमाउंट होल्ड करने की लिमिट होती है और ना ही मंथली या फिर डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट होती है। हाँ, लेकिन इन अकाउंट्स की दूसरे अकाउंट्स के कंपैरिजन में मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई होती है। और अगर बात की जाए इंटरेस्ट की, तो दोस्तों इस टाइप के अकाउंट में बैंक्स यूजुअली कोई इंटरेस्ट ऑफर नहीं करते। हालांकि इन अकाउंट्स को किसी भी टाइम सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर बात करें सेविंग्स अकाउंट की, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये अकाउंट मनी को सेव करने के पर्पज के लिए होता है। ज्यादातर लोगों के पास बैंक में इसी टाइप का अकाउंट होता है। इस अकाउंट का मेन बेनिफिट होता है कि बैंक इसमें पैसा रखने के लिए अपने कस्टमर्स को कुछ इंटरेस्ट पे करता है। सेविंग्स अकाउंट में कस्टमर कितनी बार भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। लेकिन हाँ, अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे महीने में नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन्स की एक लिमिट होती है, उसके बाद बैंक पर ट्रांजेक्शन कुछ फीस चार्ज कर सकता है। सेविंग्स अकाउंट भी कई सारे टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन कस्टमर की एज, बैंक अकाउंट खुलवाने के पर्पस एटसेट्रा, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग्स अकाउंट, किड्स सेविंग्स अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, फैमिली सेविंग्स अकाउंट एटसेट्रा। इनमें से ज़्यादातर सेविंग्स अकाउंट में बैंक्स कस्टमर से कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन एक्सपेक्ट करते हैं। और बात की जाए इंटरेस्ट की, तो बैंक सेविंग्स अकाउंट में 3 से 6% इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ फाई मनी के बारे में, जो है आपके पैसे को सेव करने का बेहतरीन तरीका। फाई मनी एक फाइनेंशियल ऐप है जो बिल्ट इन सेविंग्स अकाउंट के साथ आता है, लेकिन विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी फाई मनी आपके लिए सेविंग्स को बनाता है इजी एंड फन, एंड हेल्प करता है आपके पैसे को ग्रो करने में और आपके फंड्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने में। इसमें आप स्मार्ट डिपॉजिट जार्स एंड लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। या फिर आप अपने गोल सेट करके सेपरेट जार में भी सेव कर सकते हैं एंड फिट रूल्स के साथ सेविंग्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और रेगुलर पेमेंट्स पे आपको कैश रिवॉर्ड्स एंड 5 coins भी मिलते हैं। इसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसे यूज करने पे आपको कूल ऑफर्स मिलते हैं ऑन Amazon, Myntra, Zomato एंड मैनी मोर ब्रांड्स। इसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका कार्ड पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहता है। विद वन टैप आप कार्ड को फ्रीज एंड अनफ्रीज कर सकते हैं। बात करें सेफ्टी की, तो फाई मनी बैंकिंग पार्टनर है फेडरल बैंक, जो RBI गाइडलाइंस के सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और आपका पैसा इंश्योर्ड भी रहता है। तो है ना ऑल इन वन ऐप टू इंक्रीज योर सेविंग्स। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें आगे फिक्स डिपॉजिट यानी FD अकाउंट की, तो ये अकाउंट्स एक फिक्स अमाउंट पे फिक्स टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट अर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट आइडियल मनी पे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन में से एक माना जाता है। FDs करने की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती, किसी भी अमाउंट तक की FD कराई जा सकती है। एक FD मिनिमम 7 days से लेकर मैक्सिमम 10 years तक के लिए कराई जा सकती है। FD शुरू करने के लिए कस्टमर द्वारा अपने अकॉर्डिंग एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा कर दी जाती है, जिसके बदले बैंक उन्हें रिसीट देता है। अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद कस्टमर वो रिसीट लेके बैंक के पास वापस जाता है, फिर बैंक उन्हें उनके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्लस इंटरेस्ट पे करता है। ये इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से हायर होता है। अगर इन केस कस्टमर मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले अपनी FD तोड़ के अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं, तो बैंक उन्हें सिर्फ उनके द्वारा जमा किया गया प्रिंसिपल अमाउंट पे करता है। हालांकि कुछ बैंक्स प्री मैच्योर मैच्योरिटी पे कुछ इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट FD के इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम होता है। वैसे आजकल ये प्रोसेस भी पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन आपकी बैंक की वेबसाइट से FD वगैरह कर सकते हैं। FD को इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने पैसे को FD की फॉर्म में ही इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट की, तो ये भी फिक्स डिपॉजिट की ही तरह होता है।
इसमें बस ये डिफरेंस होता है कि इसमें कस्टमर द्वारा अमाउंट को शुरू में एक साथ डिपॉजिट नहीं किया जाता, उसे कस्टमर इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट करता है। एक बैंक में आरडी शुरू करने के बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट कस्टमर के बैंक अकाउंट से उनकी मर्जी के अनुसार मंथली यानी हर महीने या फिर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद अपने आप कटती रहती है। एक आरडी मिनिमम 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए कराई जा सकती है। एक बार आरडी शुरू करने के बाद कस्टमर ना ही आरडी का फिक्स्ड टेन्योर चेंज कर सकता है और ना ही इंस्टॉलमेंट के फिक्स्ड अमाउंट। इस केस में भी अगर कस्टमर अपना पैसा मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकलवाना चाहते हैं तो बैंक्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू करता है। नेक्स्ट अब अगर बात करें सैलरी अकाउंट की, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये सैलरी अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें इंप्लॉयर अपने इंप्लॉयज की सैलरी डालता है। इंप्लॉयर यानी कि कंपनी किसी एक बैंक के साथ टाई अप करके अपने सभी इंप्लॉयज के लिए उस बैंक में अकाउंट्स खुलवाती है। इसे एक टाइप का सेविंग्स अकाउंट भी कहा जा सकता है जिसमें बैंक्स यूजुअली कोई इंटरेस्ट ऑफर नहीं करते। सैलरी अकाउंट्स जीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं क्योंकि इसमें से इंप्लॉयज अपनी पूरी सैलरी का पैसा निकाल या दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट हमारी लिस्ट में बात करें एनआरआई अकाउंट्स की, तो इन्हें ओवरसीज अकाउंट्स भी कहा जाता है। ये अकाउंट्स इंडियंस या ज्यादातर विदेश में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोगों द्वारा खुलवाए जाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एनआरओ, एनआरई एंड एफसीएनआर। एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट, ये रुपी वाले अकाउंट्स होते हैं। इनमें जब एनआरआईज यूजुअली फॉरेन करेंसी में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग INR यानी इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो जाता है। NRI अपने इंडिया और इंडिया से बाहर कमाए गए सारे पैसे NRO बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। इन अकाउंट्स पे इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम अर्न की जाती है वो टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट NRE यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट और FD अकाउंट। NRE डिपॉजिट अकाउंट्स भी NRO अकाउंट्स की तरह ही होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि इनमें NRI सिर्फ विदेश से कमाया गया पैसा ही रख सकते हैं, इसलिए इन अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये अकाउंट्स NRO और NRE से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें अकाउंट्स INR की बजाय फॉरेन करेंसी में मेंटेन किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें अर्न किए गए इंटरेस्ट पे भी इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।